इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अनलिमिटेड रियल जीमेल अकाउंट्स बना सकते हो विदाउट एनी फोन नंबर। तो आपको कोई भी गूगल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, जैसे कि हो गया यूट्यूब, प्ले स्टोर या फिर जीमेल, आप कुछ भी ओपन कर सकते हो। देन आपको जो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सबसे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, आपको ऐड अकाउंट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे गूगल सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे टू मैनेज माई बिजनेस पे टच करना है। देन आपको यहाँ पे नाम देना है, तो मैं एक नाम दे देता हूँ। अभी आपको ये बेसिक जी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 9 मैंने यहाँ पे दिया 9/9/1998, तो ये मुझको याद रखना है। अभी इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। अभी जो जीमेल है, अभी आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है 9/9/1998। मतलब आप देख सकते हो कि आप जो नाम चूज़ करते हो एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद रहेगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको कभी कभी अगर गूगल ऐसे करते हैं कि आपको लॉक्ड आउट कर देते हैं, मतलब आप जीमेल लॉगिन करने जाते हो तो आपको बोलते हैं कि वी फाउंड समथिंग सस्पिशियस अबाउट योर अकाउंट, एंड देन आपको कहता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। देन आपको अपना बर्थ डेट पूछता है, तो आपको ये मेल से अगर आप बर्थ डेट ऐसे आप अटैच करके रखोगे तो आपको ये मेल मिलना भी आसान हो जाएगा। आपको मेल मिल ही जाएगा ऐसे आप अगर मेल लिखते हो तो, एंड आपका बर्थ डेट भी याद रहेगा, तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। देन आपको पासवर्ड दे देना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। अभी यहाँ पे आपको ऐड फोन नंबर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे नीचे सिंपली ये जो स्किप ऑप्शन है आपको स्किप कर देना है, तो आपको कोई फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा। देन आपको यहाँ पे रिव्यू योर अकाउंट इन्फो ऑप्शन आ रहा है, अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पे नीचे आके आई एग्री कर देना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जीमेल एड्रेस मैंने अभी अभी तैयार किया, वो यहाँ पे बन के आ गया, एंड मुझे कोई फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ऐसे मैंने बहुत सारा मेल बना चुका हूँ, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब बहुत सारा मेल बना रहे हो तो आप ये मेल एड्रेस, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ आप कहीं पे नोट करके रखो, क्योंकि इसमें हम कोई फ़ोन नंबर अटैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको अकाउंट रिकवर करने में बहुत मुश्किल होता है। तो आपको पासवर्ड कहीं पे लिख के रखना है।